तुम सड़क पर सोई पड़ी थी, इसलिए तुम्हें यहां ले आया। पर हमको पता नहीं था कि इतनी जल्दी तुम हार मान लोगी। इतना ही प्यार था तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाबा के लिए। तो मैं क्या करूं? मैंने सारी कोशिश की, देखिए अपने बाल भी काट दिए, रूप बदल लिया, अपनी पहचान भी भूल गई। मगर पापा को गंदे टकराए ने बहुत बुरी तरह अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। मेरे पापा बुरी टकराए के साथ रहने की वजह से खुद भी बुरे बन गए। मैंने कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा, कभी दूसरों का नुकसान करते हुए नहीं देखा। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं बाबा को बुरी टकराए से? तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अग्नि को फिर से अपना बाबा बनाना होगा। जाओ, जाकर कोशिश करो, और याद रखना, चुनौती जितनी बड़ी होती है, उसे जीतने की जंग उतनी ही बड़ी होती है। और जितना साथ देना था हमने दे दिया। कहाँ साथ दिया आपने? आपने कहा था होली वाले दिन आप वहाँ आओगे, मेरी मदद करोगे, लेकिन आप नहीं आए। आपने झूठा वादा क्यों किया था मुझसे? नहीं बताओगे ना? और बताओ आप कौन हो और मुझे क्या करना चाहिए? रुक जाओ लड़की। लड़ाई मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जाओ और कोशिश करो, तुम्हारा यहाँ पर अब वापस मत आना। पर क्यों साधु महाराज? हमने कहा ना जा, दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। हमारा जो भी था ना यहीं तक था, अब दूर रहना मुझसे। उम्मीद करता हूँ आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। चल निकल जा, तुझे रवि कभी बताना, जा यहाँ से।